और सुनाओ, तो बढ़िया। नहीं क्यों, तुझे तुझे किसी ने विश नहीं किया? लाइव स्ट्रीम पे भी नहीं आता तू? अगर ऐसा है ना, तुम बुरा फील करने वाली बात नहीं है, तेरा बहुत सही है अभी भी, क्योंकि साल बदला है, ठीक है, किस्मत नहीं बदली हमारी। इस साल भी सिंगल ही रहना, बंदी तो पटनी नहीं, दर्द आईफोन इस साल भी नहीं खरीद पाएंगे। और पहले दिन में ही मुझे ये पता चला है कि जो कोरोना का नया स्ट्रेन था ना, उसके 25 केस हो चुके हैं दिल्ली दिल्ली में, चाइना में 3 पकड़े गए हैं। मैं बड़ा खुश हूँ भाई सुन के, मतलब जब तक इंडिया की सुन रहा था ना, तब तक बुरा लग रहा था। चाइना में 3 केसेस है कोरोना के नए वाले। मैं बढ़िया है सालो, जैसे को तैसा, पिछले साल तुमने सबको रुलाया ना, इस साल तुम भी रोगे हमारे साथ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं रोने में भाई, मेरी किस्मत ही रो रही है मेरे पे, ना कोई न्यू ईयर विश करता है, और ऊपर से आज साले आधे से ज्यादा दुनिया छुट्टी पे है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। जिंदगी बर्बाद भानो, साले कुत्तों की जिंदगी। मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्द मैं छुट्टी पे जाने वाला हूँ, तो बाद में मेरे को चैचा पेपी नीचे है, क्योंकि मैं थक गया हूँ। और मैं इवन मैं आज से ही जाने वाला था, वो तो फिर यूट्यूब पर ड्रामा पता चला मुझे किसी का, इसलिए मैं आगे वापस, क्योंकि जहां ड्रामा। ओके जस्ट इनकेस तुम्हें नहीं मालूम ना, अभी यूट्यूब पे एक और नया ड्रामा शुरू हो चुका है, ट्रिगर्ड इंसान वर्सेस स्ले पॉइंट, जहां पे स्ले पॉइंट की एक्यूजेशन थी कि ट्रिगर्ड इंसान उसकी वीडियो के जोक्स और कॉन्सेप्ट कॉपी कर रहा है। ट्रिगर्ड इंसान का तो CLWL मैं देखता भी नहीं भाई, बट इसके बाद स्ले पॉइंट ने बोला तू देखता है, तुझे मालूम नहीं, तू देखता है, ये देख हमने ये किया तूने ये किया, हमने ये डाला तूने ये डाला। जिसमें ट्रिगर्ड इंसान ने एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट शेयर किया, और कहानी अभी तक यही है। और मैं कोई भी टिप्पणी नहीं मारने वाला, मैं अपना ओपिनियन नहीं देने वाला, क्योंकि अगर मैं इस पे अपना ओपिनियन दूंगा ना, मैं बहुत पार्शियल साउंड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा बैड मेमोरीज हैं स्ले पॉइंट के साथ। और मेरे को एक्चुअली गुस्सा भी था विनोद वाले मीम पे, सालों ने सारा कमेंट सेक्शन भी गिना दिया था। और आई लव ट्रिगर्ड इंसान, क्योंकि मेरा प्यार है, और मैं इस पर अगर टिप्पणी मारता हूँ ना, तो ऑफकोर्स मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ ट्रिगर्ड इंसान का, क्योंकि ऐसे सिमिलर केस मैंने पास में भी किया हुआ है, जो सेम चीज थगेश वाली चीज है। अगर ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जब तुम देखते हो, अगर थोड़ा बैठ के सोचोगे उस बारे में, तुम्हारे पास भी ऐसे कॉमन चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, और उस पर जोक कर सकते हो तुम, जैसा मैं करता हूँ, बहुत बार किया हुआ है मैंने भी, और इवन सेम चीज थगेश के केस में भी थी, बट थगेश ने चलो बाद में आके बोल दिया कि हाँ मे बी अनकॉन्शियसली मैंने कॉपी किया था, बट अभी तक ट्रिगर्ड इंसान बोल रहा भैया मैंने नहीं किया यार, मैं महीनों से काम कर रहा हूँ स्क्रिप्ट पे। सी अगेन, अब वही है ना कि प्यार वाली बात है, पसंद है मेरे को ट्रिगर्ड इंसान, तो मैं समझ सकता हूँ और मैं उसकी साइड पर जा रहा हूँ, बट मैं इस बात को भी डिनाई नहीं कर रहा कि स्ले पॉइंट की एक्यूजेशन गलत है, हो सकती है कि सच हो, और मैं पार्शियल करके मैं उनकी साइड नहीं समझने की कोशिश कर रहा, वो ह्यूमन ब्रेन है हमारा ऐसे ही। तो मैं कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, बस सजेशन दूंगा कि यार दोनों बड़े क्रिएटर्स हो, ऑफ कैमरा बात करो क्या, ऑनलाइन इधर से उधर कर रहे हो यार, हमको कॉन्टेंट नहीं चाहिए, ऐसा कॉन्टेंट नहीं चाहिए जहाँ पे मेरे को चूज करना पड़े, न्यूट्रल होकर बात करने में मेरे को बड़ा मजा आता है, क्योंकि उसमें फिर रिएक्शन आते लोगों के। अभी यहाँ पे पार्शियलिटी वाली चीज़ हो जाएगी, फिर कमेंट का ट्रोल बन जाऊंगा मैं, वो गलत बात है। तो मेरा सजेशन है यार, दोनों मेच्योर लोग हो, अच्छे क्रिएटर्स हो, टैलेंटेड हो, आप उसमें बात करके शॉर्ट कर लो, क्या पब्लिक में क्यों करना इधर से उधर। बट अगेन बस ये मेरा थॉट्स है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो इस बारे में। अब क्योंकि इतनी थॉटफुल बात करी है, तो चलेंगे हम यूएसी पे, योर इंडियन कंज्यूमर। पता चला भाई जी ने क्या किया है दादा, मजा मतलब प्राउड फील वाली मोमेंट है तुम्हारे लिए आज, अगर तुम यूएसी मेंबर हो, जिद है तो जीत है। जस्ट अगर तुम यूएसी मेंबर हो, तुम्हें तो पता चल ही गया होगा क्या हुआ है और मैं क्यों बात कर रहा हूँ इसमें, बट जस्ट इन केस तुमने नहीं देखी उनकी वीडियो, सो अभी उन्होंने आज ही एक वीडियो पोस्ट करी थोड़ी देर पहले, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनका जो टाइटल है ना जिद, सबको पता है हमें तो ऐसे मेरे पास अभी भी बैच पड़ा हुआ दादा, ये देखो प्यार है अपना, निकल जाता हूँ इधर से, ऑफ ट्रैक चला जाता हूँ मैं, बट उनका जो ट्रेडमार्क है तो हम सबको मालूम, उन्होंने रजिस्टर करा लिया था। सो अभी बोनी कपूर और G5 स्टूडियो जो है, जो वो स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म है, तो ये दोनों मिलके कोई नई सीरीज निकाल रहे थे, जहाँ पे उन्होंने शो का नाम जिद रखा था। और ये बात जब पता चली वेद भाई को, तो उन्होंने फिर उनको लीगल कंप्लेंट भेजा कि नाम चेंज करो, और फिर फाइनली जी वालों की तरफ से आया कि थोड़ा समय तो हम चेंज कर रहे हैं, और एक्चुअली उन्होंने नाम चेंज कर दिया, जो वेद भाई की बात एक बार फिर साबित करता है कि जिद है तो जीत है। एक्चुअली बहुत प्राउड मोमेंट है हर UIC फैमिली मेंबर के लिए, क्योंकि कम ऑन बोनी कपूर, जी स्टूडियो और तुम एक कॉमन मैन, और वो बाद में तुम पे केस मार देते भले तुम्हारी ओरिजिनल चीज़ है, साले तुम्हारी गांठ फट जाती है। और ये स्टेप लेके जीत जाना एक बहुत क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है खुद में बिलीफ का। मैं बहुत खुश हूँ सर, तो मैं इसमें ओपिनियन नहीं पूछा, बट मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा कोई ट्रेडमार्क होता और कोई कंपनी यूज करती तो तुम क्या करते हैं बताओ यार, तब जेन्युइनली क्वेश्चन है मेरा यार, तुम एक्चुअली लीगल नोटिस भेजते या फिर झुक के देना शुरू कर देते? बोनी कपूर जी सर ले लो सर, आप ही का सर, इंडस्ट्री में गुंडा कर दी है, मैं क्या कर लूंगा सर, ले लो ले लो, मेरे से मत पूछना क्या करता मैं क्योंकि तुम्हें मालूम है, वैसे मैं बंद कर चुका हूँ देना, बट खोल के बैठ जाता ले 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 ले। अबे बहुत ये प्रेशर वाली चीज़ होती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े नाम इंक्लूडेड है इसमें, एक आम आदमी सोचेगा भी नहीं, बड़ा कि नहीं सही है ये, क्योंकि चीज़ों का सही होना जरूरी है। चोरी तो यूट्यूब में कॉन्टेंट की भी होती है,
True story, bro. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब बॉलीवुड पे आ ही चुके हैं तो एक और बात कर लेते हैं, ये दीपिका पादुकोण का क्या सीन चल रहा है हैं? बताया नहीं सुने तुमको? बात होती है ना तुम्हारी सर डेली जा रहा हूँ। अबे इतना ज्यादा न्यूज होता है ना दीपिका से रिलेटेड, मैं आधे टाइम तो इग्नोर मारता हूँ। कितना पीआर एक्टिवेट करके रखते हो यार तुम लोग। मतलब दीपिका पादुकोण जस्ट इन केस जो मैंने वाला हूँ ना, उसने अपने इंस्टाग्राम के सारे पोस्ट डिलीट मार दिए। मतलब अभी तुम जाओगे वहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक पोस्ट दिखेगा, तो लोगों को लग रहा था ना, मतलब जब सारी फोटो डिलीट हो गई थी तो सबको लग रहा था हैक हो गया, हैक हो गया, न्यूज आर्टिकल हैक हो गया, हैक मैन क्या प्रमोशनल स्टंट था वो भी। अभी जाओगे तो एक पोस्ट दिखेगा तुम्हें, उसने ऑडियो डायरी करके कुछ शुरू कर दिया है जहाँ पे वो अपने थॉट्स देगी। और ये हरामी जनता इतनी है ना कि लड़की टट्टी पे बोलेगी तो तुम सुनने जाओगे। मैं 4 साल से बोल रहा हूँ, आज तक 421 नहीं कर पाया, 421 नहीं कर पाया। वो कुछ भी बोलेगी उस पर लोग देखेंगे भी, पैसा भी देंगे और उसे फेमस भी रखेंगे। मेरे को 421 कर दे, ऊपर से मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ वापस आऊंगा ना 419 पे होंगे, वापस होंगे 419 पे, इसलिए तुम्हें ये रखा है। ये भी नहीं, माइक्रो पीपी हो तुम। लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो। फेक अकाउंट नहीं, फेक अकाउंट बना के नहीं करना, गंदे काम नहीं करते, बुरे काम नहीं करते। वो तो पूनम पांडे का है, गंदे काम, गंदी बात। अबे गंदी बात में काश क्यों नहीं करते पूनम पांडे को? अभी पूनम पांडे के साथ भी तो हुआ, उसका मेरे ख्याल से इंस्टा अकाउंट हैक होकर डिलीट कर दिया गया है। हाँ, बट इंस्टा पे कुछ था भी नहीं, इससे अच्छा एक्स वीडियो 2 पे सर्च करो उसे। कौन बोला? फिर कोई बोल रहा है कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये? ऐप बाय कर लो उसकी भी, कम से कम उसका घर चलेगा। साले मैं उसको फ्री प्रमोशन देता हूँ, मेरे को तो फ्री सब्सक्रिप्शन दे दे, पारिसी में देखना पड़ता है सब कुछ। कौन बोला? फिर से कोई बोल रहा है? He's still so vulgar. अरे पैसा बहुत है इसमें, बिजनेस में हैं? मैं भी करना शुरू करूं क्या? बट मेरे को कोई देखने ही नहीं आएगा। जब यूट्यूब पे नहीं जा रहा तो यू पॉइंट पे कौन देखेगा? सही बात है। अबे साले, बट नया साल शुरू हो चुका है और नई नई चीजें हो रही हैं, जैसे कोरोना के नए स्ट्रेन के केसेस इंडिया में, चाइना में पाए गए हैं। अभी कोई नई ज्यादा दिल इंडिया में कोई मोनोलिथ करके चीज है वो आ गई है अचानक से, मेरे को पता नहीं था इस बारे में। मतलब मैंने देखी थी फोटोज की, बट मोनोलिथ करके एक चीज है, ऐसा मतलब ट्राइंगल चीज होती है कुछ, जो स्टील से बनी है, मतलब मैन मेड है ये पक्का है, बट मिस्टीरियसली आ जाती है ये चीज़। मतलब पहले उठा करके कोई जगह है वहाँ पे पाई गई थी, और फिर उसको उठा के मतलब खोल के देखा गया तो कंफर्म हो गया कि हाँ ये मैन मेड है, एलियन नहीं है। बट ये कौन करता और क्यों करता, किस मकसद से करता, किसी को नहीं मालूम। सो अभी खबर ये आई है 29 तारीख की है कि इंडिया के किसी स्टेट में है, मुझे स्टेट याद नहीं आ रहा, बट मैं तुम्हें दिखा दूंगा न्यूज आर्टिकल के थ्रू, तो पता चल जाएगा तुम्हें। और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अच्छा है, देखने में अट्रैक्शन पॉइंट बनता है, लोग जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे, अच्छी बात है। बट मुझे वो बात याद आ रही है जो हम सब ने सोचा था कि 2020 ट्रेलर है, 2021 फिल्म दिखाएगा हमें, नए केसेस कोरोना के, ये एलियन टाइप की चीजें आ रही है, क्या मकसद है कुछ पता नहीं, बट आ रही है। आना तो कुछ अच्छा हो, जैसे रवि तेजा का नई मूवी का ट्रेलर आया, सालू ने सब टाइटल्स नहीं डाले थे, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। और इवन अपना रणबीर कपूर, एक ही तारीख मिली है सबको सब कुछ बताने के लिए, अपने टाइम से सो रहे थे हैं, अभी सडनली आ गए, अरे एक तारीख का मैं ये बताएगा? मैं एक दिन में सिर्फ एक बार एक्साइटेड होता हूँ, 10 बार नहीं। साले एक ही दिन में करना सब कुछ। दृश्यम 2 भी अनाउंस होगी कि अमेजोन प्राइम पे आएगी, दृश्यम 2 आ रही है, ये वाली नहीं साउथ वाली, मतलब अभी पहले वो आएगी, उसके बाद वो अजय देवगन बनाएगा ना रीमेक, ये सुपर स्मार्ट, सुपर स्मार्ट है, कितना मजा आएगा। साउथ वाली सारी फिल्मों का ट्रेलर आज ही, जिस फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं बॉलीवुड में उसका भी टीजर आज ही। साले तुमसे ज्यादा स्मार्ट लोग बैठे हैं देश में। पता कानपुर में क्या हुआ? कानपुर में एक बंदा था जिसकी गाड़ी 2 साल पहले चोरी हो गई, तो अपना नहीं था विकास दुबे, 2 दिन पहले ही बात कर रहे थे हम लोग, उसकी गैंग मेंबर से शायद की होगी। तो अभी जब उनका वो हुआ था ना कानपुर पुलिस के साथ भेड़, जिसमें 8 कांस्टेबल शहीद हो गए थे, तो उसके टाइम पे वो गाड़ी सीज कर ली गई थी वापस, क्योंकि मतलब अबैंडेड पाई गई वहाँ पे, तो गाड़ी को सीज कर लिया गया था। और जो इंस्पेक्टर जिसने सीज करी थी ना, उसने सर्विसिंग के लिए भेज दी, खुद यूज करने लग गया। और लीगली ना कोई भी सीज आइटम पुलिस वाला पर्सनली यूज नहीं कर सकता किसी भी पर्पज के लिए, उसे स्टोरेज में रखना पड़ता है, बट ये बंदा यूज कर रहा है, सर्विसिंग पे ले जा रहा है। मतलब एक बार सर्विसिंग करा के आया तो सर्विस वाले ने ओनर को कॉल कर दिया कि सर गाड़ी कैसी चल रही है, अभी सर्विस करके दी थी ना। वो क्या था, गांजा फूक के बैठा है बे, 2 साल से चोरी हो रखा है। तो वो सर्विस सेंटर जाता है, वहां से पता चलता है कि इंस्पेक्टर चला के एंजॉय कर रहा है भाई साहब, बेबी बैट बलेरो में असल असल तेरी खातिर लाया। और जब पुलिस से पूछा गया ना क्या ये, क्यों किया आपने ऐसा, ये तो गलत है, अरे वो खाली पड़ी थी तो मैंने सीज कर ली। बट सर ये तो इलीगल है ना, योर अ गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। भाई कुछ नहीं बोला, शांत होकर निकल गया। तो ये एक बहुत फनी स्टोरी लगी थी मुझे कानपुर से, बुरा नहीं मानना, हुआ तो हुआ है, बता दिया वैसे के वैसा, मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, बट मजा आया ना कहानी से। नहीं आया तो लाइक कर दे, मजा आया तो भी लाइक कर दे, मजा नहीं आया तो सब्सक्राइब भी करके जाइए। साले तेरे को डेली तंग करूंगा मैं, डेली का डेली तंग करूंगा कुछ दिनों तक, फिर मैं ब्रेक पे चला जाऊंगा, समझ गए?
तो बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोग एंजॉय किया हो एंड आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर छोटे लुली वालों और माइक्रो पीपी वालों और बड़े लोग गैंग वालों सबको हैप्पी न्यू ईयर। स्टे सेफ। सो बस अबे बहुत वियर्ड होता है यार इस चीज़ में मैं तो चलो लाइक कर देना बाय पीस।